गुड मॉर्निंग मित्रों, आप सभी को आज की सुबह का प्यार भरा नमस्कार। और जैसा कि हम लोग देखे कि कल की क्लास में कि हम लोगों ने देवी प्रसाद राय चौधरी और यामिनी रंजन राय को देखा, आज की क्लास में रविन्द्रनाथ टैगोर को देखेंगे, जो आपके अवनींद्रनाथ टैगोर के चाचा जी थे। तो आप आज की भी क्लास, आप तक मैं बता देना चाहता हूँ कि आज की भी क्लास ये पब्लिक है, आप लोग अपने इष्ट मित्रों तक तुरंत शेयर कर दीजिए, जिससे कि वो भी क्लास कर सकें, है ना। और ये उन्हें यह भी पता हो सके कि हमारी क्लास जो है लगभग कंटिन्यू चल रही है। तो आप लोग इस चीज़ को देखते हुए आप लोग जल्दी जल्दी जितने लोग हों आप लोग के परिचय में, उन तक शेयर भी कर दीजिए अपने इस लिंक को, अपने इस वीडियो को। और फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं, और तब तक आप लोग जल्दी से जल्दी जुड़ भी जाइए। कुछ लोग जुड़ चुके हैं और कुछ लोग जो अभी नहीं जुड़े हैं वे भी जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। चलिए, तो आज हम देखेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर। रवींद्र नाथ टैगोर। देखिए, रवींद्रनाथ टैगोर भारत के ऐसे महान हस्ती, भारत की ऐसी महान हस्ती जिसको पहली बार सन 1913 ईस्वी में साहित्य के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। आप लोगों को पता होगा, बहुत बड़ा प्रश्न है, बहुत बड़ा जानकारी वाला प्रश्न है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर के मुख्य प्रसिद्धि भारत में एक साहित्यकार के रूप में हुई, भारत में नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में। लेकिन उसके साथ साथ इन्होंने अपने उम्र के 68वें वर्ष से चित्रकारी करना भी प्रारंभ किया था, क्योंकि अवनींद्रनाथ टैगोर भारत में आधुनिक कला के जन्मदाता जिन्हें माना जाता है, उनके द्वारा प्रचलित बंगाल शैली तेजी के साथ विकसित हो रही थी उस समय। और उस समय इन अवनींद्रनाथ टैगोर का जो परिवार था, चाहे वो अवनींद्रनाथ टैगोर हों, चाहे गगनेंद्रनाथ टैगोर हों, चाहे ये स्वयं हों, चाहे इनकी बहन सुनैना देवी हों आपके अवनींद्रनाथ की, तो ये सभी लोग मिलकर वहाँ पर चित्रण कार्य कर रहे थे और भारतीय कला को आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे। उन्हीं में से अवनींद्रनाथ टैगोर एक ऐसे कलाकार हैं जिन्हें भारत का प्रथम आधुनिक चित्रकार माना गया है। प्रथम आधुनिक चित्रकार, आपको यहाँ पे समझना है कि भारत का, भारतीय आधुनिक कला का जन्मदाता तो अवनींद्रनाथ टैगोर को माना गया है, लेकिन भारत का प्रथम आधुनिक चित्रकार आपके रवीन्द्रनाथ टैगोर को माना गया है। ठीक है, इसमें देखिए कमेंट सारे आ नहीं रहे क्या? कुछ लोगों के पहले आए थे, बाद में नहीं आ रहे हैं, इसको देखिए। ठीक है, चलिए देखिए, हम लोग पहले ऐसे कुछ चीजें देख लेते हैं। रवींद्र नाथ टैगोर का जन्म, टैगोर भारत की एक प्रसिद्ध कवि साहित्यकार उपन्यासकार के साथ साथ की
साथ साथ प्रसिद्ध चित्रकार भी थे। ओके, नेक्स्ट है, रविंद्र नाथ टैगोर का जन्म। सन 1861 ईस्वी में, 1861 ईस्वी में जोड़ासाकू कोलकाता में हुआ था। रविंद्र नाथ टैगोर की मृत्यु, रवींद्रनाथ टैगोर की मृत्यु सन 1941 ईस्वी में कोलकाता में हो गई थी। रविंद्र नाथ टैगोर को सन 1913 ईस्वी में संपूर्ण विश्व में प्रसिद्धि तब हुई थी हुई थी जब उन्हें अपनी प्रसिद्ध कृति गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अर्थात रवींद्रनाथ टैगोर के चाचा, अर्थात रवींद्रनाथ टैगोर जो प्रारंभ में एक कवि, साहित्यकार, उपन्यासकार एवं आप कह सकते हैं गीतकार के रूप में प्रसिद्ध हुए, लेकिन बाद में अपनी उम्र के 68वीं वर्ष में इन्होंने चित्रकारी करना भी सीखा और 1929 ईस्वी के आसपास इन्होंने पहला चित्र अपना बनाया था, जिसके कारण कहा जाता है कि इन्होंने अपनी उम्र के 68वें वर्ष चित्रकारी करना प्रारंभ किया था।
लेकिन ये चित्रकार होने से पहले या चित्रकारी के क्षेत्र में आने से पहले इनको जो मुख्य रूप से पहली बार प्रसिद्धि प्राप्त हुई वह 1913 ईस्वी में साहित्य के क्षेत्र का इनके द्वारा लिखे गए प्रसिद्ध ग्रंथ गीतांजलि पर इनको नोबल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। इसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर धीमे धीमे भारतीय जनमानस पर अपने आप को एक प्रसिद्ध लेखक के रूप में प्रचारित करते रहे और बाद में इन्होंने क्या किया कि अपने उम्र के 68वें वर्ष इन्होंने चित्रकारी करना भी प्रारंभ किया। इसको भी देख लीजिए, प्रश्न पूछा जाता है। रविंद्र नाथ टैगोर ने अपनी उम्र के 68वें वर्ष सन 1929 ईस्वी से चित्रकारी करना प्रारंभ किया था। ठीक है, और जब इन्होंने चित्रकारी करना प्रारंभ किया इनको भारत का प्रथम आधुनिक चित्रकार की संज्ञा भी प्रदान की गई। ठीक है, रविंद्र नाथ टैगोर को भारत का प्रथम आधुनिक चित्रकार भी माना गया है। देखिए यहां पे आप सभी लोगों को बहुत ध्यान से देने वाली बात यह है कि हमने आपको बताया कि रविंद्रनाथ टैगोर के भतीजे अवनींद्रनाथ टैगोर को भारतीय आधुनिक कला का जनक माना जाता है। तो भारतीय आधुनिक कला का जनक तो अवनींद्रनाथ टैगोर हैं, लेकिन भारत का प्रथम आधुनिक जो चित्रकार माने गए हैं उनमें आपके रविन्द्रनाथ टैगोर को वह सम्मान प्राप्त हुआ है। मीन्स भारत का प्रथम आधुनिक चित्रकार रविन्द्रनाथ टैगोर को माना गया है, यह चीज आपको देखना पड़ेगा। और रविन्द्रनाथ टैगोर को प्रथम आधुनिक चित्रकार होने का गौरव या देने का गौरव सबसे पहले डब्ल्यू जी आर्चर महोदय ने इनको भारत का पहला आधुनिक चित्रकार होने का नाम से संबोधित किया था। अर्थात रविंद्रनाथ टैगोर को डब्ल्यू जी आर्चर महोदय ने भारत का प्रथम आधुनिक चित्रकार कहकर संबोधित किया था। संबोधित किया
ठीक है। रवींद्र नाथ टैगोर ने कोलकाता के वीरभूमि आधुनिक वीरभूम जिला आधुनिक वीर भूम जिला में स्थित शांति निकेतन शांति निकेतन शांति निकेतन नामक महल में सन 1901 ईस्वी में एक छोटे से शिक्षण संस्थान की स्थापना की थी कि स्थापना की थी कि थी कुछ समय बाद रविन्द्र नाथ टैगोर ने भारतीय कला को कला एवं कलाकारों को विकसित करने के उद्देश्य से शांति निकेतन में ही सन 1919 ईस्वी में कला भवन की स्थापना की थी जो आगे चलकर सन 1921 ईस्वी में शांति निकेतन विश्वविद्यालय
के रूप में परिणित हो गया था, परिणित हो गया था। यहीं पर पहली बार, यहीं पर पहली बार, पहली बार कला विभाग की, कला विभाग की स्थापना की गई थी। देखिए, हमने कई बार आप लोगों को बताया है, कई बार यह बताया कि कला भवन कहाँ स्थित है, कला भवन की स्थापना कब हुई और कला भवन की स्थापना किसने की थी। ये सारी चीजें हम कई बार चर्चा कर चुके हैं, लेकिन आज जब रवीन्द्रनाथ टैगोर को हम अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो इनके बारे में और भी विधिवत जानकारी आपको दे दी जा रही है। आपको बताया गया कि रवीन्द्रनाथ टैगोर के पिता देवेंद्रनाथ टैगोर ने आपके शांति निकेतन, जो पहले कोलकाता जिले में ही आया करता था, लेकिन वर्तमान समय में यह बंगाल का पूर्व बीरभूम नामक जिला अलग हो गया है। यह प्रश्न टीजीटी 2013 में पूछा गया था, और जब 13 में प्रश्न पूछा गया था तो इसमें बहुत सारे लोगों ने गलतियां की, क्योंकि आज भी इस संस्थान का जो रजिस्ट्रेशन है, जो किताबों में मिलता है, वह कोलकाता में ही मिलता है। कला भवन कहाँ पर स्थित है, तो कला भवन का जो जिक्र आता है तो कोलकाता में ही आता है, लेकिन टीजीटी 2013 में पूछा गया कि कला भवन कहाँ स्थित है या शांति निकेतन कहाँ पर स्थित है, तो उसमें ऑप्शन में बीरभूम जिला भी था और ऑप्शन में कोलकाता जिला भी था। अब यहाँ पे चयन बोर्ड ने सही क्या कर दिया, बीरभूम जिला, क्योंकि वर्तमान समय में यह जो शांति निकेतन या कला भवन है वह बीरभूम जिले में है, लेकिन यह पहले कोलकाता में हुआ करता था, कोलकाता जिले में हुआ करता था। तो ये भी चीज आपको माइंड करना है, इसलिए हमने इस सारी चीजों को स्पष्ट रूप से लिख दिया। तो देखिए, रवीन्द्रनाथ टैगोर ने भारतीय कला को आगे बढ़ाने के लिए इस संस्थान की स्थापना की थी, और उसके साथ साथ ये चित्रों की भी रचना करते रहे, और इनके चित्रों की पहली प्रदर्शनी 1930 ईस्वी में पेरिस के पिगाल गैलरी में आयोजित की गई थी। बहुत बड़ा प्रश्न है, कई बार आया हुआ प्रश्न है, इसको भी आप लोग देख लीजिए। रवींद्र नाथ टैगोर, रवीन्द्रनाथ टैगोर की चित्रों की पहली प्रदर्शनी, पहली प्रदर्शनी सन 1930 ईस्वी में, 30 ईस्वी में पेरिस में स्थित, में स्थित पिगाल गैलरी, पिगाल गैलरी में आयोजित की गई थी। देखिए, यह बहुत बड़ा प्रश्न है और एक दो बार पूछा गया भी प्रश्न है कि रवीन्द्रनाथ टैगोर की पहली प्रदर्शनी कब और कहां पर आयोजित की गई थी। तो रवीन्द्रनाथ टैगोर की पहली प्रदर्शनी सन 1930 ईस्वी में पेरिस अर्थात फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित पिगाल गैलरी में आयोजित की गई थी, जबकि इनके चित्रों की दूसरी प्रदर्शनी रवींद्र नाथ टैगोर की चित्रों की दूसरी
दूसरी प्रदर्शनी सन 1932 ईस्वी में कोलकाता में आयोजित की गई थी। में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट है रविंद्र नाथ टैगोर की चित्रों की तीसरी प्रदर्शनी सन 1933 ईस्वी में मुंबई में आयोजित की गई थी। देखिए ये तीनों प्रश्न, तीनों प्रदर्शनियां इनके आपके एग्जाम की परिदृश्य से महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पे पहली प्रदर्शनी तो पेरिस में है और पेरिस के पिगाल गैलरी में है, दूसरी प्रदर्शनी कोलकाता में है और तीसरी प्रदर्शनी आपके मुंबई में आयोजित की गई है। पहली 30 में, दूसरी 32 में और तीसरी 33 में प्रदर्शित इनकी की गई है। अगर आप इन तीनों पॉइंटों को याद करते हैं तो छह बड़े प्रश्न आपके रेडी होते हैं, है ना। इसके बाद आपको यह भी बता दें कि रविन्द्रनाथ टैगोर की जो चित्र है वह प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक फ्रायड एवं मुंक के सिद्धांतों पर आधारित माने गए हैं। यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यह भी प्रश्न पूछा जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा बनाए गए चित्र मनोवैज्ञानिक फ्रायड के या मनोवैज्ञानिक फ्रायड एवं मुंक के सिद्धांतों या ऐसे लिख लीजिए अचेतन मन के सिद्धांतों पर के सिद्धांतों पर आधारित है, ये भी देख लीजिए। और इसी तरीके से डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने रविन्द्रनाथ टैगोर के चित्रों के बारे में लिखा
कि बारे में लिखा कि not child but childlike, not child but childlike मतलब यह बच्चों की कला तो नहीं है लेकिन देखने में कैसी है, बच्चों के जैसी है। यह इनके आलोचना करते हुए, रविन्द्रनाथ टैगोर के चित्रों की आलोचना करते हुए आपके भारत प्रसिद्ध कला समीक्षक एवं कला विद्वान डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने लिखा था। ठीक है, तो इस प्रकार से ने लिखा। रविंद्र नाथ टैगोर ने अपने उंगलियों में फीता या कपड़ा बांधकर एवं एवं फूल पत्तियों से रस निकाल कर उन्हें रविंद्रनाथ टैगोर रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा बनाए गए चित्रों का मुख्य विषय नारी था। रविंद्र नाथ टैगोर के द्वारा बनाए गए प्रसिद्ध चित्र निम्नवत हैं। पहला है कागज पर नर्तकी। दूसरा है राजहंस वन में लोमड़ी।
थके हुए यात्री, थके हुए यात्री प्राचीन कानाफूसी कच्चे धागे सफेद धागे सफेद धागे पक्षी नारी मावा बच्चा आदि। ठीक है, देखिए ये रवींद्रनाथ टैगोर की एक संपूर्ण बायोग्राफी, और जैसा कि आपको पता है कि इनके जो रवींद्रनाथ टैगोर की जो प्रसिद्धि है वह तो मुख्य रूप से एक साहित्यकार के रूप में है, और आपको बताया गया कि इनको सन 1913 ईस्वी में साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था, और ये भारत के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिनको साहित्य के क्षेत्र का या किसी भी क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो इस प्रकार से ये रवींद्रनाथ टैगोर की मुख्य प्रसिद्धि प्रारंभ में साहित्यकार के रूप में थी, बाद में इन्होंने चित्रकारी करना भी प्रारंभ किया था, और इनको भारत का पहला आधुनिक चित्रकार होने का गौरव भी प्राप्त हुआ। आप सोच सकते हैं कि अपने उम्र के 68वें वर्ष इन्होंने चित्रकारी करना सीखा था, और चित्रकारी के पहले आपके रवींद्रनाथ टैगोर साहित्य के क्षेत्र में काम कर रहे थे। इन्होंने गीतों को लिखा, कविताओं को लिखा, है ना, कुछ फिल्मों में इन्होंने संगीतों को भी लिखने का काम किया था। तो इन्होंने जब लेखन कार्य किया, इनके द्वारा लेखन कार्य के क्षेत्र का इनके जो प्रसिद्ध उदाहरण हैं, जैसे गीतांजलि, इनकी एक प्रसिद्ध रचना है, क्या प्रसिद्ध ग्रंथ है गीतांजलि। उसके बाद गोरा भी रवींद्रनाथ टैगोर का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। उसके बाद घरे बहिरे, उसके बाद आपने देखा कि हमारा जो राष्ट्रीय गीत है जनगणमन, है ना, उसको भी लिखा इन्होंने। उसके बाद रवींद्र संगीत नाम से भी इन्होंने अपनी एक ग्रंथ लिखी। उसके बाद इन्होंने अमार सुनार बंगला जो आपके बांग्लादेश का शायद राष्ट्रगान है, उसको भी इन्होंने लिखा। उसके बाद नौका डूबी नामक प्रसिद्ध ग्रंथ का भी रचना आपके रवींद्रनाथ टैगोर ने की थी। इस प्रकार से इस इतने प्रसिद्ध साहित्यों की रचना करने वाले आपके रवींद्रनाथ टैगोर ने अपने इस लेखन कार्य के साथ साथ अपने इन शब्दों को, अपने इन गीतों को चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित करने के उद्देश्य से अपने उम्र के 68वें वर्ष चित्रकारी करना प्रारंभ किया था। और इनके घर में रवींद्रनाथ टैगोर, इनकी बहन सुनैना देवी, सॉरी इनकी भतीजी सुनैना देवी जो रवींद्रनाथ टैगोर की बहन थी, गंगनेन्द्रनाथ टैगोर की बहन थी, और गंगनेन्द्रनाथ टैगोर जैसे प्रसिद्ध कलाकार उसमें कलाकारी कर रहे थे, है ना। तो ये एक कलाकार होने का माहौल इनके घर में था, और अपने उम्र के 68वें वर्ष इन्होंने भी चित्रकारी करना प्रारंभ कर दिया था। और इनसे भी कई प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए ये भी आपके परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इनसे आने वाले जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे उनको भी हमने आपके सामने रख दिया है। अब आपको ये देखना है कि यहाँ से आने वाला प्रश्न जितने भी हैं वो आप अच्छी तरीके से आसानी से देख लीजिए, और जिससे कि आप सारी की सारी चीज़ें आसानी से कर सकें। तो आपको सबसे पहले तो हमने आपको बता दिया कि रवींद्रनाथ टैगोर कवि, साहित्यकार, उपन्यासकार के साथ साथ एक प्रसिद्ध चित्रकार थे, ये चीज़ हम आपको बता चुके हैं। उसके साथ साथ अब आपको देखना है कि इनका जन्म, तो आप सबसे पहले देख लीजिए कि रवींद्रनाथ टैगोर का जो जन्म हुआ
रवीन्द्रनाथ टैगोर का जो जन्म हुआ वह आप देख लीजिए कि इनका जन्म कब हुआ, सन 1861 ईस्वी, ठीक है। उसके बाद और कहां पे हुआ, जोड़ा साहू कोलकाता, यह भी आपको देखना है। इनका जन्म सन 1861 ईस्वी में कहां पे, जोड़ा साहू कोलकाता में हुआ था। ये दो प्रश्न आपके रेडी होते हैं कि सन भी पूछ सकता है और आपसे स्थान भी पूछ सकता है। जबकि इनकी जो मृत्यु हुई, इनकी जो मृत्यु हुई, मृत्यु कब हुई, 1941 ईस्वी। इनकी मृत्यु जो हुई सन 1941 ईस्वी, ये इनका दूसरा प्रश्न इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देख लीजिए कि इनको नोबल पुरस्कार कब मिला, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यह अभी हाल में पूछा गया प्रश्न है, सन 1913 ईस्वी में इनको नोबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, है ना। विश्व में प्रसिद्धि तब हुई जब उनको गीतांजलि, किस इनको नोबल पुरस्कार किस इनके साहित्य के लिए दिया गया, गीतांजलि के लिए दिया गया, यह भी आपको देखना है, ठीक है। और इनको 1913 ईस्वी में कौन सा पुरस्कार दिया गया था, नोबल पुरस्कार। सन 1913 ईस्वी में इनके द्वारा लिखी गई रचना या ग्रंथ गीतांजलि पर रवीन्द्रनाथ टैगोर को नोबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जब इसके बाद से इनकी प्रसिद्धि भारत में ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में हो गई, और जब विश्व में हुई धीमे धीमे उनकी प्रसिद्धि बढ़ती गई, और उन्होंने अपने उम्र के 68वें वर्ष में उन्होंने क्या किया, चित्रकारी करना भी प्रारंभ कर दिया। यह प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का वह कौन सा कलाकार है जिसने अपने उम्र के 68वें वर्ष चित्रकारी करना प्रारंभ किया था, तो रवीन्द्रनाथ टैगोर। या रवीन्द्रनाथ टैगोर ने अपने उम्र के किस वर्ष चित्रकारी करना प्रारंभ किया था, तो 68वें वर्ष। और जब 68वें वर्ष ये इन्होंने चित्रकारी करना प्रारंभ किया था तो वो सन कौन सा था, हमने वो भी लिख दिया है, सन 1929 ईस्वी के आसपास, सर 1929। ये सभी आपके लिए महत्वपूर्ण है और इन सभी को आपको देखना है। हमने सारी चीजें आपके सामने रख दिया है कि ये पहला पॉइंट हो गया आपका, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये आपका चौथा हो गया, ठीक है। चौथे में हमने आपको, ये आपका पांचवा हो गया। इतने कई प्रश्न से हम आपको जोड़ दे रहे हैं, ये ऐसे ऐसे प्रश्न हैं जो आप कम से कम समय में ज्यादा करने की क्षमता आपके अंदर पैदा करता है। कोई भी 10 साल की तैयारी कर रहा हो, 5 साल तैयारी कर रहा हो, लेकिन आप अभी की 1 से 40 से 45 मिनट की क्लास कर लेंगे, आप उससे बात करेंगे, आपको लगेगा हम बहुत ज्यादा जानते हैं। उसको भी लगेगा, जिससे आप चर्चा करेंगे उसको भी पता होगा कि ये अच्छा सब्जेक्ट का जानकार है, है ना। तो देखिए, उसके बाद रवीन्द्रनाथ टैगोर को भारत का प्रथम आधुनिक चित्रकार, भारत का प्रथम आधुनिक चित्रकार, ये आपको याद करना है। ठीक है, भारत का प्रथम आधुनिक चित्रकार किसे माना जाता है, तो रवीन्द्रनाथ टैगोर को भारत का प्रथम आधुनिक चित्रकार की संज्ञा प्रदान की गई है। यह भी आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। छह, उसके बाद सातवां नंबर यह है, रवीन्द्रनाथ टैगोर को WG आर्चर, आपसे पूछा जाएगा कि किस विद्वान ने आपके रवीन्द्रनाथ टैगोर को सबसे पहले भारत का प्रथम आधुनिक चित्रकार होने के नाम से संबोधित किया था, वे कौन थे। WG आर्चर महोदय ने पहली बार आपके रवीन्द्रनाथ टैगोर को भारत का प्रथम आधुनिक चित्रकार कहकर संबोधित किया था, ओके। उसके बाद नेक्स्ट है नौ,
रविन्द्रनाथ टैगोर ने कोलकाता के बीरभूम देखिए, यह प्रश्न टीजीटी 2013 का प्रश्न है, 2013 में प्रश्न आया था, और जब थोड़ी सी न समझदारी की बात छोड़ दिया जाए, यह कन्फ्यूजन पैदा करने वाला प्रश्न था कि शांति निकेतन कहाँ पर स्थित है। तो शांति निकेतन ऑप्शन में कोलकाता भी दिया था और ऑप्शन में बीरभूम भी दिया था। तो जब यह संस्था बनी थी, कला भवन स्थापित हुआ था, तो बीरभूम नामक जिला नहीं था, तब उस समय कोलकाता नामक ही जिला था। लेकिन बाद में जनसंख्या बढ़ जाने के बाद जब कोलकाता का विभाजन किया गया तो कोलकाता को ही काटकर बीरभूम नामक एक जिला बना दिया गया। और इस बीरभूम नामक जो जिला था, इस बीरभूम नामक स्थान पर एक शांति निकेतन नामक भवन की स्थापना करने का सबसे पहले कार्य आपके इनके पिताजी ने किया था, अर्थात रविन्द्रनाथ टैगोर के, देवेंद्रनाथ टैगोर ने। और देवेंद्रनाथ टैगोर ने जिस भवन की, एक विशाल भवन की स्थापना की थी, उसको लोग शांति का स्थान मानते थे। अर्थात जब ये लोग किसी ऊब जाते थे तो चले जाते थे वहां और कुछ समय तक वहां रहा करते थे। और उसी स्थान पर रविन्द्रनाथ टैगोर ने सन 1901 ईस्वी में एक उसी शांति नामक भवन में एक कोने पर एक कुछ कमरे लेकर एक छोटा सा विद्यालय खोला, शिक्षण संस्थान खोला। और बाद में भारतीय कला को आगे बढ़ाने के लिए या बंगाल की कला को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने उसी शांति निकेतन नामक भवन में एक कला भवन नामक कला की शिक्षा के उद्देश्य से एक अलग से संस्था की स्थापना की थी। जो प्रश्न अधिकांशतः हम आपसे पूछते हैं और एग्जाम में पूछा जाता है कि कला भवन कहाँ पर स्थापित है, तो कला भवन शांति निकेतन कोलकाता में स्थापित है और इसकी स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने सन 1919 ईस्वी में किया था। जो यह कला भवन जिसकी स्थापना 1919 ईस्वी में हुई थी, वह सन 1921 में विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन में क्या हो गया था, परिणित हो गया था। और इसी विश्वविद्यालय में पहली बार किसी भी विश्वविद्यालय में, जितने भी भारत में विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे भारतीयों के द्वारा, या भारतीयों के द्वारा स्थापित भी प्रथम विश्वविद्यालय रहा। और इसी विश्वविद्यालय में पहली बार कला विभाग की स्थापना भी आपसे पूछा जाएगा। किसी भी भारतीय विश्वविद्यालय, भारतीयों के द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय में सबसे पहले कला विभाग की स्थापना कहाँ की गई, तो इसी शांति निकेतन विश्वविद्यालय में की गई थी। तो हमने यहाँ पर आपको बताया कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने कोलकाता के बीरभूमि अर्थात आधुनिक समय में वह बीरभूमि क्या है, आधुनिक बीरभूम जिला में स्थित शांति निकेतन नामक महल में सन 1901 ईस्वी में सन 1901 ईस्वी में एक छोटे से शिक्षण संस्थान की स्थापना की थी। और कुछ समय बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारतीय कला एवं कलाकारों को विकसित करने के उद्देश्य से शांति निकेतन में ही सन 1919 ईस्वी में इन्होंने क्या किया कि कला भवन की स्थापना की थी। यही प्रश्न यह आपको देखना है। और हम आप कई बार, आप लोग इसके बारे में गलतियां कर चुकी हैं, जब भी पूछा जाता है तो आप लोग कहीं भोपाल बताते हैं और कभी आप बनारस बताते हैं, और यह आपके एग्जाम में आने वाला महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप यहां से इसको जरूर देख ले अच्छी तरीके से, और एक प्रश्न लेके यह अधिकांश खड़ा रहता है किसी भी एग्जाम में। तो शांति निकेतन नामक स्थान पर कला भवन की स्थापना सन 1919 ईस्वी में रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था, यह आपके लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही एग्जाम में आने वाला भी है। इसलिए आपको ये चार पांच जितने भी चीजें आपको अंडरलाइन बॉक्स में दिखाई दिए जा रही हैं, सारी की सारी आप लोग के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, इस प्रकार से आपको बताया गया कि इसको, ये जो है 1921 ईस्वी में इसको क्या किया गया, विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हो गया था। 1921 ईस्वी में ये इसको क्या किया गया, विश्वविद्यालय के रूप में यह परिणित हो गया था। ये हमने आपको लिख दिया है, ये सारी चीजें, ये आपके लिए बड़ी ही काम की चीज, बहुत ही महत्वपूर्ण दे दी जा रही है।
जी ये देखिए सचिन यादव जी कहना है कि सन 1915 ईस्वी में नाइटहुड की उपाधि भी हुई थी, प्राप्त हुई थी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर। राजा जॉर्ज पंचम ने इनको सन 1900 में नाइटहुड की भी उपाधि दी थी, यह भी आप लोग नोट कर सकते हैं, ठीक है। और यह जब इनको नाइटहुड की उपाधि राजा जॉर्ज पंचम ने दी थी, लेकिन जब 1919 ईस्वी में सचिन जी का कहना है, तो सचिन जी के लिए हम आपको बता दे रहे हैं, सचिन जी ने थोड़ा सा यहाँ पे शुरुआत की, हम थोड़ा उस पर और भी जोर दे रहे हैं। आप लोग नोट कर लीजिएगा कि जब सन 1915 ईस्वी में राजा जॉर्ज पंचम ने रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की जो उपाधि दी थी, उसके बाद जब सन 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, उस जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को वापस कर दिया था। सचिन जी ये आपके लिए एक और जानकारी भरा प्रश्न, दो चीजें हमने आपसे और जोड़ी, और आपके साथ साथ ये चीजें अन्य प्रतियोगियों के लिए भी लाभकारी होगी। और ठीक है, हम तो इस प्रकार से ये आपके रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। तो 1913 ईस्वी में इन्हें नोबल पुरस्कार प्राप्त हुआ था, और सन 1915 ईस्वी में राजा जॉर्ज पंचम ने इन्हें नाइटहुड की उपाधि से भी सम्मानित किया था। और बाद में जब सन 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ, तब उन्होंने इस नाइटहुड की उपाधि को वापस कर दिया था, ब्रिटिश सरकार को वापस कर दिया था। यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है 10। रविन्द्रनाथ टैगोर के चित्रों की पहली प्रदर्शनी, अब देखिए यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए देखिए, यह भी महत्वपूर्ण है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी है कि रविन्द्रनाथ टैगोर के चित्रों की पहली प्रदर्शनी सन 1930 ईस्वी में कहां पे आयोजित की गई, पेरिस कहां अर्थात पेरिस में स्थित की गई, आयोजित की गई थी। और कहां पर, पिगाल गैलरी में आपके रविन्द्रनाथ टैगोर के चित्रों की पहली प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। प्रथम प्रदर्शनी का आयोजन आपके सन 1930 ईस्वी में पेरिस में स्थित पिगाल गैलरी में रविन्द्रनाथ टैगोर के चित्रों की पहली प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप लोगों के लिए। उसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर के चित्रों की दूसरी प्रदर्शनी कब आयोजित की गई, रविन्द्रनाथ टैगोर के चित्रों की दूसरी प्रदर्शनी कब आयोजित की गई, आपको बताया गया है कि रविन्द्रनाथ टैगोर के चित्रों की दूसरी प्रदर्शनी सन 1932 ईस्वी में और कहां पर, कोलकाता, ठीक है। अर्थात रविन्द्रनाथ टैगोर के चित्रों की पहली प्रदर्शनी सन 1930 ईस्वी में पेरिस के पिगाल गैलरी में आयोजित की गई थी। रविन्द्रनाथ टैगोर के चित्रों की दूसरी प्रदर्शनी सन 1932 ईस्वी में कोलकाता में आयोजित की गई, जबकि रविन्द्रनाथ टैगोर के चित्रों की तीसरी प्रदर्शनी सन 1933 ईस्वी में मुंबई में आयोजित की गई। ये देख लीजिए, इतनी इंपॉर्टेंट चीजें आपके सामने बोर्ड पर लिख दे रहे हैं, है ना, और कम से कम समय में आपको इतने अच्छे कंप्यूटर बनाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आप लोग अच्छे तरीके से अध्ययन कर रहे होंगे, आप लोग को लग रहा होगा कि हम भी तैयारी कर रहे हैं, है ना। चलिए 13वें नंबर का जो प्रश्न है, पॉइंट है, वह है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा बनाए गए चित्रों में मनोवैज्ञानिक फ्रायड एवं मुंक के अचेतन मन के सिद्धांत पर आधारित है। मुंक के अचेतन मन के सिद्धांतों पर आधारित है, अर्थात आपसे
पूछा जाता है कि भारत का वह कौन सा ऐसा कलाकार है जिसके चित्रों पर एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जो जिसका नाम था फ्रायड के, फ्रायड का जो सिद्धांत है अचेतन मन, तो वह फ्रायड के मनोवैज्ञानिक फ्रायड के सिद्धांतों पर या अचेतन मन पर बनाए गए चित्र जो हैं वह किसने बनाए, तो रवीन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा बनाए गए चित्र मनोवैज्ञानिक फ्रायड एवं मुंक के अचेतन मन के सिद्धांत पर आधारित है। यह भी प्रश्न पूछा गया है, यह भी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। 14 नंबर का प्रश्न है, डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने रवीन्द्रनाथ टैगोर के चित्रों के बारे में लिखा कि नॉट चाइल्ड बट चाइल्ड लाइक, नॉट चाइल्ड बट चाइल्ड लाइक, अर्थात यह बच्चों की कला इनकी नहीं है लेकिन कैसी है, बच्चों के जैसा। यह आपके रवीन्द्रनाथ टैगोर की आलोचना करते हुए, आप कह सकते हैं आलोचना करते हुए आनंद कुमार स्वामी ने लिखा कि नॉट चाइल्ड बट चाइल्ड लाइक, ये बच्चों की कला नहीं है लेकिन दिखने में कैसी है, बच्चों जैसी है। यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको याद करना होगा। उसके बाद 15 नंबर का पॉइंट जो है वह है, रवीन्द्रनाथ टैगोर ने अपने उंगलियों में फीता, ये देखिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यह भी प्रश्न पूछा जा चुका है कि वह कौन सा कलाकार है जिसने अपनी उंगलियों में फीता या कपड़ा बांधकर फूल पत्तियों को निचोड़कर उससे रंग बनाकर चित्रों पर लगाया किया करता था या चित्रों की रचना किया करता था, तो वे भी कौन थे, आपके रवीन्द्रनाथ टैगोर। रवीन्द्रनाथ टैगोर एक ऐसे कलाकार थे जिन्होंने आवश्यकता पड़ने पर ब्रश पेंसिल और रंग की खोज नहीं की बल्कि अपने उंगलियों में फीता या कपड़ा को बांधा और अपने गार्डन में निकल गए